hello everyone in this video lecture of digital system design or digital electronics i am going to discuss asm asm stand for algorithmic state machine इसका हम यूज क्यों करते हैं दिस इज यूज फॉर डिजाइनिंग द सिंक्रोनस सर्किट दिस इज अ बेसिकली एडवांस वर्जन ऑफ स्टेट डायग्राम अगर आपका स्टेट डायग्राम गिवेन होगा सिंक्रोनस सर्किट का यू कैन डिजाइन द सर्किट इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस द मेन एलिमेंट्स ऑफ ए एस एम एंड वन और टू एग्जाम्पल ऑफ ए एस एम की अगर आपका स्टेट डायग्राम गिवेन है तो आप एस एम चार्ट कैसे ड्रॉ करोगे चार्ट 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 ए स्पेशल फ्लो हैज बीन डेवलप्ड स्पेसिफिकली टू डिफाइन द द डिजिटल हार्डवेयर एल्गोरिथम्स। दिस डिस्क्राइब सीक्वेंस सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स कि इवेंट किस में होती उनका क्या रिलेशनशिप होता है प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट कंपोनेंट्स फर्स्ट इज द स्टेट बॉक्स पहले हम इसका जनरल सिंबल देखते हैं जनरल सिंबल रेक्टेंगल बॉक्स ठीक है ठीक नाउ इन दिस ये क्या होगा रजिस्टर ऑपरेशन रजिस्टर ऑपरेशन ठीक है और हम क्या लिख सकते हैं और आउटपुट ठीक यहां पर इसकी एंट्री होगी ठीक है यहां इसका एग्जिट होगा नाउ दिस साइड स्टेट नेम होगा लेट मैंने स्टेट को नाम दिया ए आई ठीक है या ए कुछ भी दे सकते हो एस वन एस नॉट कुछ भी दिस साइड सपोज इसको मैंने कोई बाइनरी वैल्यू दी तो ये मेरी कोई बाइनरी वैल्यू है मीन कि बेसिकली यहां पर क्या होगा स्टेट कोड एक एग्जाम्पल ले लेते हैं सपोज ये हमारा स्टेट वन है ठीक है इस पर आउटपुट जड की वैल्यू वन है ठीक है इसकी बाइनरी वैल्यू सपोज जीरो वन वन है ठीक है यहां इसकी एंट्री और यहां इसका एग्जिट ठीक है तो दिस इज द एग्जाम्पल Now next basic element is decision box. Now इसके अगर general symbol की बात करें तो ये एक ऐसा होगा diamond shape का. It's like a diamond. ठीक है? Its के two exit point होंगे. ठीक है? यहाँ पर ये इसकी entry होगी. यहाँ इसके two exit होंगे. One exit when zero. एंड वन एग्जिट फॉर वन ठीक है नाउ अब यहां पर हमारी क्या होगी इनपुट कंडीशन इनपुट कंडीशन लिखेंगे ठीक है ठीक ये इसका एग्जिट पाथ वन ठीक दिस इज एग्जिट पाथ टू ये हो गया हमारा डिसीजन बॉक्स ये एरो शो कर देते हैं कि ये हमारे डायरेक्शन हो गई ना एग्जांपल ले लेते हैं सपोज इसके बाद हमारा कंटिन्यूएशन में हो कि हमें एक्स की कंडीशन चेक करनी है ठीक है तो हमने क्या लिखा यहां पर लिखा x इफ x इज इक्वल टू जीरो तो एट पाथ दिस इफ x इज इक्वल टू वन तो एग्जिट पॉइंट क्या होगा दिस वन क्लियर है तो ये हमारे इसका एग्जाम्पल हो गया नाउ डिसीजन बॉक्स बेसिकली करता क्या है डिसीजन बॉक्स डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ एन इनपुट ऑन द कंट्रोल ये जो पाथ होते हैं लीड टू द ब्लॉक्स करस्पॉन्डिंग टू द नेक्स्ट स्टेट मीन्स की ये नेक्स्ट स्टेट से कनेक्ट होंगे अगर हमने इनपुट ये अप्लाई किया तो एक्स अगर जीरो है तो वट इज द नेक्स्ट स्टेट एक्स इज इक्वल टू वन है तो वट इज द नेक्स्ट स्टेट ये हमारे शो करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंड बेसिक एलिमेंट इज कंडीशनल बॉक्स इसका शेप कैसा होगा ये भी ये ओवल शेप का होगा मीन्स की रेक्टेंगल बट चारों कॉर्नर इसके क्या होंगे कर्व होंगे ये कुछ ऐसा सा होगा होगी लिस्ट ऑफ लिस्ट ऑफ कंडीशनल आउटपुट्स ठीक है इसकी एंट्री इसका एग्जिट ये हमारा कंडीशनल बॉक्स हो गया और ये जनरली कब होगा जब हमारी कोई कंडीशन चेंज हो रही हो या हमारा आउटपुट वन हो मोस्टली जब हमारा आउटपुट वन होता है ठीक है और इसकी जो इनपुट होगी वो कहाँ से आएगी ऑलवेज कम्स फ्रॉम द एग्जिट पाथ ऑफ डिसीजन बॉक्स इसकी एंट्री कहाँ से आएगी एक्जिट पाथ ऑफ डिसीजन बॉक्स हमें सारी पता चल गए कि वट इज स्टेट बॉक्स वट इज डिसीजन बॉक्स वट इज कंडीशनल बॉक्स अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं पहले मैं एक स्टेट डायग्राम लूंगी विथ वन आउटपुट बिट नेक्स्ट हम एग्जाम्पल लेंगे विथ टू आउटपुट बिट तो दोनों डायग्राम देखते हैं आई एम गोइंग टू डिस्कस वन एग्जाम्पल

x एंड आउटपुट को हमने शो किया बाय वेरिएबल z ठीक नाउ स्टेट डायग्राम शुरू करते हैं विथ फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट स्टेट इज s1 स्टेट बॉक्स बनाया दिस इज अवर स्टेट बॉक्स इस स्टेट बॉक्स का नाम क्या होगा s1 ठीक है नाउ फॉर दिस स्टेट इनपुट की दो कंडीशन है जीरो एंड वन ठीक तो नाउ वन डिसीजन बॉक्स इज रिक्वायर्ड ठीक है इस डिसीजन बॉक्स में वेरिएबल क्या होगा x ठीक अब इस x के दो केसेस होंगे फॉर जीरो एंड वन फॉर वन ठीक नाउ अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम इफ इनपुट इज जीरो तो नेक्स्ट स्टेट क्या है एस वन इट सेल्फ एंड आउटपुट क्या है जीरो अगर आउटपुट जीरो है तो कंडीशनल बॉक्स इज नॉट रिक्वायर्ड क्या है इफ आउटपुट इज देन कंडीशनल बॉक्स इज नॉट रिक्वायर्ड तो एक्स की वैल्यू जीरो है तो ये कहा जाएगा ये एग्जिट पाथ वर्क करेगा एज अ इनपुट मीन्स की वापस ये एस वन पे ठीक नाउ इनकेस ऑफ वेन एक्स इज इक्वल टू वन आउटपुट क्या वन और वट इज द नेक्स्ट एस टू ठीक है तो सबसे पहले तो हम नेक्स्ट स्टेट बनाते हैं दिस इज अवर नेक्स्ट डेट जिसका नाम क्या है एस टू ठीक बट यहां पर आउटपुट क्या थी वन तो हमें एक कंडीशनल बॉक्स रिक्वायर्ड होगा ठीक है आउटपुट जेड है हमने यहां जेड मैंशन किया अगर हमने जेड लिखा आउटपुट हमें क्या मिली वन एंड नेक्स्ट स्टेट इज एस टू तो सबसे पहले हम आउटपुट को शो करेंगे आउटपुट के बाद नेक्स्ट स्टेट क्या होगी कंडीशनल बॉक्स बॉक्स की एंट्री डिसीजन से एंड आपका जो नेक्स्ट स्टेट होगा कंडीशनल बॉक्स के बाद वो क्या होगा S2. टू नाउ अब हम S2 के केस देखते हैं अगेन यहां पर भी जीरो इनपुट है एंड वन इनपुट है मीन्स वन डिसीजन बॉक्स डन नाउ वन केस फॉर जीरो वन केस फॉर वन नाउ

वापस जाएगा एस टू पर बट यहां पर हमारा एक कंडीशनल बॉक्स यूज होगा ठीक है दिस इज कंडीशनल बॉक्स जेड की वैल्यू वन है मीन्स जेड वन से कंडीशनल बॉक्स एंड कंडीशनल बॉक्स का एग्जिट पॉइंट कहां होगा एट एस टू डन फॉर दिस नाउ फॉर एस थ्री एस थ्री स्टेट पर इफ इनपुट इज जीरो एंड वन दोनों केसेस है मीन्स अगेन डिसीजन x. For this case, if x is equal to zero, next state is s3 Output be zero. Hai. No conditional box required. Ye zero. Kaha होगा Done. Now, if s3 पर है hai, input is one, output is one. Next state is S ठीक है तो नाउ ये हम लेते हैं वन के लिए आउटपुट क्या है वन मींस यहां हमारा एक कंडीशनल होगा जेड इस ये एग्जिट पाथ इसके लिए वर्क करेगा एज अ इनपुट एंड एग्जिट पॉइंट ऑफ दिस कंडीशनल बॉक्स मैं यहां से शो कर देती हूं स्पेस का मैं थोड़ा ठीक है ये एग्जिट पॉइंट कहां वर्क करेगा एज अ इनपुट फॉर एस ठीक है S1, तो दिस इज द एस चार्ट विच इज इक्वी टू दिस स्टेट डायग्राम नेक्स्ट डायग्राम मैंने सेम डायग्राम को लिया है थोड़ा सा चेंज क्या है उसके अकॉर्डिंगली व्हाट इज द चेंज इन एस एम चार्ट वो देखते हैं नाउ इन दिस केस आउटपुट हमारे कितने बिट के हैं टू बिट की मींस की आउटपुट के लिए वन जेड वन होगा एंड सेकेंड आउटपुट बिट होगी जेड टू ठीक नाउ अब हम इसके लिए अगर ड्रॉ करते हैं डायग्राम चलो स्टार्ट करते हैं इनिशियल से सबसे पहले हमारे पास क्या है स्टेट बॉक्स एस वन यहां हमने लिखा एस वन ठीक इनपुट की कंडीशन देखनी है ये हमने लिए एक्स ठीक है वन केस फॉर जीरो वन केस फॉर वन ठीक है अगर जीरो पे है नेक्स्ट स्टेट कहां जा रही है सेम एक भी आउटपुट इसकी वन नहीं है ठीक है नॉट अ सिंगल बिट वन तो विदाउट कंडीशनल बॉक्स ये कहां जाएगा वापस एस वन पर ठीक नाउ इफ एक्स इज इक्वल टू वन वट इज द नेक्स्ट स्टेट एस टू लेट दिस इज एस टू ठीक है ये हो गई एस टू बट यहां पर जेडवन की वैल्यू जीरो एंड जेड टू की वैल्यू वन है मीनस वन कंडीशनल बॉक्स रिक्वायर्ड एंड इस कंडीशनल बॉक्स में हम कौन सा जेड लिखेंगे जो वन हुआ मीन्स की जेड टू डन ये देन ये एस टू पर आ गया ठीक है नाउ अब हम देखते हैं फॉर एस टू एस टू केस में अगेन हम एक डिसीजन बॉक्स लगाएंगे ठीक है एक्स वन पाथ फॉर जीरो वन पाथ फॉर वन डन नाउ अब जीरो के केस में देखते हैं नेक्स्ट स्टेट क्या है एस थ्री चलो यहां पर मैंने लिखा एस थ्री डन नाउ यहां पर आउटपुट पर वन इज वन एंड जेड टू इज कंडीशनल बॉक्स चाहिए होगा एंड उस कंडीशनल बॉक्स में हम किसे मेंशन करेंगे जो वन है वन ठीक मीन्स की एग्जिट पॉइंट वर्क एज अ इनपुट एंड जेडवन का एग्जिट पॉइंट कहां जाएगा स्टेट एस थ्री पर डन नाउ इफ एस टू पर इनपुट इज वन आउटपुट इज वन वन नेक्स्ट स्टेट इज एस टू ठीक है तो हमारा कंडीशनल बॉक्स कैसे होगा ठीक दोनों ही वैल्यू वन है मीन्स जेड वन जेड टू डन नाओ दिस वन डन ठीक है ये हो गया फॉर जेड टू अब हम ड्रॉ करते हैं फॉर एस थ्री अगेन एस थ्री केस में डिसीजन बॉक्स एक्स वन फॉर जीरो नाउ इफ जीरो पर है इनपुट इज जीरो आउटपुट इज जीरो मीन्स हमारा कंडीशनल बॉक्स होगा यहां पर कंडीशनल oh, बॉक्स यहां पर है जेड वन इज जीरो जेड टू इज वन जेड टू वन है मीन जेड टू को मैंशन किया इसका जो एग्जिट होगा वो हो कहा जाएगा नेक्स्ट स्टेट को और नेक्स्ट स्टेट क्या है एस थ्री इट सेल्फ डन नाउ ये हो गया नाउ इफ एस थ्री पर है एक्स की वैल्यू वन है तो वट इज द नेक्स्ट स्टेट एस वन ठीक है ये जाना है एस वन पर बट उससे पहले आउटपुट चेक करते हैं जेड वन इज वन जेड टू इज जीरो मीन्स यहाँ हमें चाहिए होगा एक कंडीशनल बॉक्स ठीक है कंडीशनल बॉक्स में जेड वन इज वन तो हम क्या लिखेंगे जेड वन ठीक अब इसके लिए एंट्री कहाँ से आएगी डिसीजन बॉक्स से एंड इसका जो एग्जिट होगा वो कहाँ जाएगा एस वन पर ठीक है तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा अगर आपके एग्जाम में किसी स्टेट डायग्राम के लिए ड्रॉ करने को आता है तो नाउ आई थिंक यू कैन ड्रॉ फॉर दैट और अगर थ्योरी आती है तो मैंने स्टार्टिंग में जो आपको एलिमेंट्स बताए थे डिफिनीशन बताए थे और वन एग्जाम्पल मैंने जो आपको दो एग्जाम्पल डिस्कस किए इनमें से कोई एक एग्जाम्पल या आप अपनी चॉइस का कोई भी एक एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आई विल ट्राई टू अपलोड मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक थैंक यू सो मच स्टिल यू हैव एनी डाउट प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन थैंक यू